हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए तो एमपी बोर्ड का बड़ा फैसला आया है। जो 30 अप्रैल से परीक्षाएं होने वाली थी एमपी बोर्ड की, वे टली यानी कि वे कैंसिल हो चुकी हैं। अब वे परीक्षाएं आपकी जून में होगी, तो जून में भी कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं 30 अप्रैल से चालू होनी थी तो वे कैंसिल हो चुकी हैं, जो कि भोपाल की न्यूज़ है। देखिए आज की दैनिक भास्कर भोपाल 13/4/21 यानी कि आज ही की न्यूज़ है। तो देखिए क्या लिखा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की 30 अप्रैल से होने वाली बोर्ड परीक्षाएं आगे बढ़ा दी हैं। फैसला कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लिया गया है। अब ये परीक्षाएं जून में होंगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि अभी परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी स्कूल सहूलियत के अनुसार 2-3 दिन में ले सकेंगे। बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होनी थीं। परमार ने बताया कि 1 से 5वीं तक प्राइमरी स्कूल और 6वीं से 8वीं तक के मिडिल स्कूल को प्रोजेक्ट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ये स्कूल 15 जून से के बाद खोले जा सकेंगे, मतलब अभी स्कूल भी नहीं खुलेंगे। और इसके साथ ही एक और न्यूज़ है जो कि 18 अप्रैल को होने वाली वन सेवा यानी कि फॉरेस्ट विभाग की जो परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई है। अब ये परीक्षा कब होगी, देखिए पढ़ते हैं ये न्यूज भी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 18 अप्रैल को आयोजित की जा रही राज्य वन सेवा परीक्षा स्थगित कर दी गई है। MPPSC के मुताबिक संक्रमण के कारण यह परीक्षा स्थगित की जा रही है और आगामी तारीख अभी तय नहीं है कि कौन पर होगा। गौरतलब है कि इस परीक्षा का 2 साल से इंतजार है। दिसंबर 2019 में इसके आवेदन बुलाए गए थे, तब से मामला अटका हुआ है। चूँकि यह परीक्षा इंदौर के सेंटर पर ही होनी थी जबकि वहां संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। यानी कि देखिए वन सेवा की परीक्षा 2019 में दिसंबर में फॉर्म डल गए थे, जो कि अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई, पूरे 2 साल हो चुके हैं। तो ये आज की ताज़ा खबर थी जो कि एमपी बोर्ड से रिलेटिव और वन सेवा परीक्षा से रिलेटिव थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही न्यूज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।